एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द ब्राउनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 150 रुपीस विच वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब इतने अच्छे से वर्क करते हैं वो। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन विच इज ब्लू हेवन का रोज वाटर फेशियल टोनर। बैलेंसेज पीएच लेवल। दिस क्लेम्स दैट इट बैलेंसेज पीएच लेवल, इट इज पैराबेन फ्री, नो आर्टिफिशियल कलरेंट्स एंड हाइड्रेट्स एंड रिफ्रेश स्किन। सी आई डोंट नो अबाउट हाइड्रेटिंग पार्ट बिकॉज मैं ड्राई स्किन पर्सन हूँ, तो मेरे लिए हाइड्रेटिंग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, बट इट क्लेम्स दैट इट रिफ्रेश स्किन विच इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फेशियल टोनर। इट शुड रिफ्रेश योर स्किन, इट शुड बैलेंस योर पी एच लेवल। मुझे तो ये रोज वाटर ब्लू हेवन का काफी पसंद आता है, सो आई थिंक ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। 60-70 में आपको मिल जाएगा। 125 ml प्रोडक्ट है इसमें एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा ये। नाउ द अनदर प्रोडक्ट इज दिस ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट इट डज। मतलब आप देख सकते हैं कि एकदम से उसने मेरे पोर्स को ब्लरिंग कर दिया होता है, एकदम से वो मेरे फाइन लाइन्स में एकदम सेटल नहीं हो जाता है, लेकिन वो पूरा मैटिफाई कर देता है सो दैट मेरे को एक प्लेन बेस मिल जाता है फॉर माय मेकअप। एंड दिस इज अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन पीपल आल्सो, क्योंकि उनका ऑयल फ्री हो सकता है स्किन इससे। सो आई थिंक दिस वर्क्स फॉर बोथ द स्किन टाइप्स बट मोर फॉर ऑयली स्किन अगर आपको मैटिफाई करना हो तो। आफ्टर दैट आई हैव दिस शाइनी पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिश बाम विच इज बीबी फाउंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये काफी सटल सा ब्लेमिश बाम है, मतलब बीबी क्रीम है, काफी सटल है बिकॉज ये पूरा कुछ आपको ज्यादा कवरेज नहीं देता है, लेकिन ये आपके स्किन को पूरा एक नॉर्मल कलर दे देता है सो दैट आपके कहीं पे भी फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा झलक के ना दिखे। एंड आई थिंक फॉर पीपल हु डोंट यूज फाउंडेशन एंड कंसीलर्स दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर देम। एंड बीबी क्रीम में भी 5 or 6 शेड्स अवेलेबल है इसमें, सो आई थिंक यू शुड ग्रैब वन। एंड बहुत अच्छा है ये, मेरा शेड 04 है लेकिन मैंने ये थोड़ा गलत शेड मंगवा लिया है इसीलिए थोड़ा सा वाइट वॉश हो रहा है मुझे। 40 ml का प्रोडक्ट 150 के अंडर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डील। इफ यू वांट समथिंग विच यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस आई थिंक यू शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस। आफ्टर दैट आई हैव दिस इनसाइट का येलो ऑशरे शेड का कंसीलर। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट, मतलब हर कोई इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात कर रहा है एंड आई थिंक दिस इज लव फॉर मी। मतलब मेरे कंसीलर्स मुझे बहुत अच्छे लगता है, सो आई थिंक दिस कंसीलर विच इज फॉर 99 or 110 का कुछ मिल जाता है। एज यू कैन सी आई हैव हिट द पैन ऑल्सो और मुझे लगता है कि ये कंसीलर बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे आप ऑयली स्किन के हो या ड्राई स्किन के। इट गिव्स यू हाई कवरेज, इट विल मेक योर ब्लेमिशेज ब्लर आउट लाइक हियर एंड देयर, मतलब एकदम ही गायब हो जाता है वो। सो आई थिंक दिस इज अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट फॉर 110। एंड किसी का ऐसा बजट हो जो स्कूल और कॉलेज फ्रेंडली चाहिए, मतलब उनको कॉलेज में ज्यादा बजट नहीं होता है मेकअप के लिए, सो आई थिंक दिस इज फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल। एंड बाकी तो हर कोई यूज कर ही सकता है। आफ्टर दैट फ्रॉम द सेम ब्रांड आई हैव दिस इनसाइट का ब्लशर विच इज इन द शेड डस्टी रो 03 एंड दिस इज द शेड। एज यू कैन सी दिस इज ब्राउन स्किन फ्रेंडली, दिस वर्क्स लाइक मैजिक, बट ये एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि ये तुरंत ही उड़ जाता है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट इफ यू यूज लाइक नॉर्मल स्किन पे विदाउट मेकअप इट विल लुक सो प्रिटी। इसके ऊपर एक और आप जो ब्लश होता है पाउडर ब्लश एक बार कर लेना, बट दिस पर्टिक्युलर शेड इज सो प्रिटी एंड दिस विल वर्क फॉर ब्राउन स्किन एज वेल। एंड आई थिंक अंडर बजट जो 100 के अंडर में जो ब्लश आते हैं उसमें से ये सबसे अच्छा ब्लश है, सो इफ यू वॉन्ट समथिंग विच इज अंडर बजट सो यू कैन ट्राई दिस एटलीस्ट। आफ्टर विच आई हैव अनदर ब्लश विच इज फ्रॉम ब्लू हेवन शिमर मैट ब्लश। ये काफी सुंदर सा ब्लश है, लाइक ये थोड़ा पिगमेंटेड ज्यादा है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो। मैंने सोचा कि जिसको लॉन्ग लास्टिंग पसंद है वो लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकता है, जिसको ऐसे नॉर्मल सा शेड्स चाहिए जो इतना लॉन्ग लास्टिंग ना हो तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। बट दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग ब्लश, दिस इज शिमर मैट ब्लश। इतना सुंदर है, इतना पिगमेंटेड है ये एंड आई थिंक दिस वर्क्स लाइक मैजिक। और इतने कम प्राइस में इतना अच्छा शेड मिलना या इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड 7 ग्राम प्रोडक्ट आता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गेट अगर आपको ब्लश चाहिए तो। ये ब्राउन स्किन फ्रेंडली भी है सो यू शुड कंसिडर दिस इफ यू वॉन्ट इट। आफ्टर दिस फ्रॉम द सेम ब्रांड आई हैव दिस आई पॉप फ्रॉम ब्लू हेवन ओनली एंड
इट हैज फोर शेड्स. नंबर वन इज गोल्डनिश काइंडिश, रोज गोल्डिश एंड ब्रॉन्जी एंड पिंक. ये ब्राउन स्किन पे काफी अच्छे लगते हैं ये सारे शेड्स एंड पिगमेंटेड भी काफी ज्यादा है. सो अगर आपको ज्यादा मेकअप आता नहीं है, अगर आपको बिगनर हो, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट काफी अच्छा रहेगा. यू कैन यूज दीज टू ब्लश, दिस टू शेड्स एज ब्लश एंड ब्रॉन्जर ऑल्सो, एंड दिस कैन बी यूज एज हाईलाइटर ऑल्सो, द रोज गोल्ड शेड. सो एक प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट बन के निकल सकती है. सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट बाय अगर आप बिगनर हो और आपको एक अच्छे आई पैलेट में इन्वेस्ट करना है. आफ्टर दैट आई हैव दिस कॉम्पैक्ट फ्रॉम फेसेस कैनेडा, एंड ये मेरा थोड़ा टूट गया है, विच इज माई फॉल्ट ओनली, उन लोग का नहीं है. दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड 9 ग्राम प्रोडक्ट आता है. मेरा सैंड 4 शेड है, विच इज द परफेक्ट शेड ऑफ माइन. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट है, बट नहीं, ये मेरा परफेक्ट शेड है. एंड अगर आप मेरे शेड के या डस्की स्किन टोन के कहीं आसपास हैं, तो 4-5 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. एंड 9 ग्राम प्रोडक्ट आता है. इट विल डू द वर्क ऑफ पाउडर, जो मतलब पाउडर करना चाहिए, कि मैटिफाई कर देना चाहिए, आप फाइन लाइन्स में सेटल नहीं होना चाहिए, तो ये वही काम करता है. एंड इन दिस बजट यू कैन गेट सो मेनी पाउडर्स एज वेल, बट मेरे लिए फेसेस कैनेडा का ये पाउडर ऑलमोस्ट सबसे होता है. आई हैव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम डैजलर. इसका कॉम्पैक्ट पाउडर है, लेकिन ये डार्क शेड में ब्रॉन्जिंग का भी यूज हो सकता है. आई हैव दिस शेड एंड द शेड नेम आई विल मेंशन इट, क्योंकि इसमें नहीं, शेड नेम है कॉन्टोर, कॉन्टोरिंग द सेम, द शेड नेम इज देयर. 9 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर दोज जिनको कॉन्टोरिंग करना पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा ना हार्श कभी कभी लग सकता है अगर आप ब्लेंडिंग करोगे तो. बट दिस इज नॉट बिगनर फ्रेंडली, बट दिस विल वर्क फॉर यू अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे. एंड इसका पिगमेंटेशन काफी अच्छा है, बस ये ना थोड़ा फॉल आउट ज्यादा होता है, दैट्स इट. और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बाकी कॉन्टोर के लिए तो दिस वर्क्स लाइक मैजिक. आफ्टर आई हैव दिस मस्कारा फ्रॉम बेला वर्स्टे. इसके बारे में तो मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने शॉर्ट्स पे भी अपलोड किया. दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारास, जो 150 के अंडर आते हैं एंड दिस वर्क्स लाइक हेवन. मतलब इतना सही वर्क करता है ये, आपको क्लम्पी नहीं कर देगा, आपके लैशेस अच्छे से रखेगा भी एंड ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होता है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगता कि अरे कुछ लगाया करके. एंड इट विल नॉट गिव यू अ लाइक ह्यूज वॉल्यूम और समथिंग, बट डेली बेसिस के लिए ऐसे मस्कारास काफी अच्छे. लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक. आई एम इन द शेड 11 कॉफी कमांड एंड 21 रोमांस. आई हैव दीज टू शेड्स विद मी राइट नाउ एंड मैंने दोनों को मिक्स करके ये लिपस्टिक बनाई है. एंड आई थिंक मेरे पास कुछ है बोलने के लिए. अगर आप लिप में लिपस्टिक यूज कर रहे हो, तो ये लिपस्टिक ऐसे तो ट्रांसफर प्रूफ है लाइक दिस. एज यू कैन सी देयर इज नो फ्रिकिन लिपस्टिक देयर, बट अगर आप कुछ खाते हो तो वो थोड़ा थोड़ा अंदर से निकल जाएगी. अनदर थिंग इज दिस कि ये काफी ड्राइंग फॉर्मूला है. आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिप्स पे लगाया है. दिस इज नॉट लाइट वेट फॉर्मूला एंड आई थिंक कि 80-90 के अंडर हम ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो आई थिंक दिस इज नाइस. अगर आपको चाहिए कि आपको इतना ड्राइंग ना लगे, तो आप क्या करिए, लिपस्टिक के पहले अच्छे से लिप बाम कर लो, अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो. सो आपको इतना ड्राइंग फिर कम लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा. For 80-90 rupees, this combo or particular individual shades are also the best. Inside ke kafi sare lipsticks hai jo kafi acche se perform karti hai. So you can consider them as well. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.